क्या कोई पिता इतना बेरहम हो सकता है, इतना अंधविश्वासी हो सकता है कि तंत्र मंत्र और जादू टोने के चक्कर में अपनी दुधमुही बच्ची की ही बलि ले ले? यकीन नहीं होता। मुंगेल से आई रिपोर्ट देखिए। क्या किसी शख्स के सिर पर अंधविश्वास और तंत्र मंत्र का भूत इस कदर सवार हो सकता है कि वो सिद्धियां हासिल करने के चलते कलेजे के टुकड़े को ही मौत के घाट उतार डाले? यकीन नहीं होता। लेकिन एक खौफनाक वारदात मुंगेली में दर्ज की गई है, जहां सिद्धियां प्राप्त करने के लिए एक हैवान ने अपनी एक साल की दूधमुही बेटी की हत्या कर दी। जहां गांव पुलिस को वारदात की सूचना हत्यारे पिता ने ही दी। थाना जरहा गांव के अंतर्गत ग्राम तराई गांव में कल रात्रि लगभग 8 से 9 के बीच एक घटना हुई, जिसमें रंजीत पटेल ने अपनी एक वर्षीय पुत्री की हत्या कर दी। हत्या में उसने हत्या का प्रयोग किया था और गले पे वार करके हत्या कर दिया था और दरवाजे को बंद कर रखा था उस समय। घटना के बाद पूरे जरहा गांव थाना इलाके में सनसनी फैल गई है। तराई गांव के लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि जिस पिता ने पूरे एक साल तक अपनी मासूम बच्ची की परवरिश की हो, जिस बच्ची के एक मुस्कान की खातिर जो पिता कभी खुद ही बच्चा बन जाया करता था, जिस कलेजे के टुकड़े को पिता ने जान से भी ज्यादा प्यारा समझकर प्यार दिया, दुलार दिया, फिर उसी नन्ही सी जान को मौत के घाट उतारते वक्त आरोपी रंजीत पटेल का हाथ एक बार भी क्यों नहीं कांपा? आवाज चीख पुकार सुनकर तत्काल उनके परिजन और अन्य लोग पहुंचे और फिर वहां पहुंच के उसको फिर आवश्यक कार्रवाई किया गया। जैसे ही सूचना मिली, थाना प्रभारी जरहा गांव वहां पर पहुंचे और साथ ही साथ जो पर्यवेक्षण अधिकारी है DSP साधना सिंह, उसने भी मॉनिटरिंग किया और आरोपी को कस्टडी में लिया गया। ग्रामीणों को भरोसा नहीं हो रहा है कि उनके बीच एक कातिल रह रहा था। सिर्फ 12 महीने की मासूम कोयल, जिसने सिर्फ दुनिया में कदम ही रखा था, उसे क्या पता था कि इस दुनिया में लाने वाला पिता ही एक दिन उसका कातिल बन जाएगा। मगर अंधविश्वास के मारे अकल के अंधे हैवान को हत्या करते वक्त अपनी बेटी की चीख पुकार कहाँ सुनाई दी होगी? तभी तो उसने धारदार हथियार से मासूम बच्चे की गर्दन धड़ से अलग कर दी। विधिवत आज उसको रिमांड पर भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि कुछ बलि प्रथा या अभी ये इन्वेस्टिगेशन में आएगा। कुछ बातें, अलग अलग बातें वहाँ गांव में चल रही थी, ये इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा। इस खौफनाक दास्तान पर यकीन करना बेहद मुश्किल है, लेकिन मुंगेली के जरहा गांव इलाके के इस हत्याकांड की खबर सुनते ही हर किसी का कलेजा मुंह को आ रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को दुधमुही बेटी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही में पुलिस जुट गई। वहीं शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी रंजीत पटेल ने तंत्र मंत्र की सिद्धियां हासिल करने के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, लेकिन शायद अब उसे समझ आ रहा होगा कि अंधविश्वास ने उसे कातिल बना दिया है। अब उसकी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही कटेगी। हवालात के लिए मुंगेली से रोहित कश्यप की रिपोर्ट।